देखो तो 26 जनवरी की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप सबको 26 जनवरी की शुभकामनाएं, खाते खाते शुभकामनाएं। अरे भाई लड्डू बट गए क्या? लड्डू बट गए? नहीं यार, अभी नहीं बटे हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ कि प्रिंसिपल सर आगे आए और 26 जनवरी पर दो शब्द कहें कि हमारा मार्गदर्शन करें। आगे प्रिंसिपल। माननीय अतिथिगण, आदरणीय अध्यापक और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और हम अपने देश का गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हाँ तो सम्मोखन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उन लोगों को आगे बुलाइए जो कार्यक्रम की तैयारी करके आए हैं और अपना कुछ कलाकारी दिखाने आए हैं। अभी देखने रंग का नहीं ये वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। 26 जनवरी पर पूरा भारतवर्ष हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज हम सभी यहाँ राष्ट्रीय पर्व को पूरे उत्साह से मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए तो सबसे पहले मैं मोनू को बुलाना चाहूँगा जो यहाँ हमारे बीच हमें मोटिवेट करेंगे और कुछ अपना टैलेंट दिखाएंगे और कुछ अपने विचार यहाँ हमारे बीच रखेंगे जिसे हम लोग प्यार से सुनेंगे। तो मोनू जी कृपया आप स्टेज पे आइए, जो तैयारी करके आए हैं। दोस्तों, तो मैं अपने कुछ विचार आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपका दोस्त किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है, अगर आपका दोस्त ठोकर खा रहा है, अगर आपका दोस्त ठोकर खा रहा है और हेल्प के लिए आपको बुला रहा है, तो आपको कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जब तक आदमी धक्के नहीं खाएगा तब तक कामयाब नहीं होगा। तो खा रहे तो सोने को धक्का, लेकिन जाना नहीं। ये क्या है, ये क्या है तेरा बकवास? यही विचार है तेरे? ऐसे बच्चों को मोटिवेट करेगा तू? अगर तेरे को सुनाना है तो ढंग का सुना, नहीं तो मुझसे जितना बच सकता है बच। दोस्तों, क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आपको गुस्सा आता है? अगर आपको गुस्सा आता है तो आपके अंदर प्यार भी होगा, और अगर आपके अंदर प्यार है तो आपके अंदर नफरत भी होगा, और अगर आपके अंदर नफरत है तो आपके अंदर शैतान भी होगा, और अगर आपके अंदर शैतान है, अगर आपके अंदर शैतान है तो आपके अंदर इंसान भी होगा, और अगर आपके अंदर इंसान है तो आपके अंदर भगवान भी होगा, और अगर आपके अंदर भगवान है तो आप डरोगे नहीं, और अगर डरोगे नहीं तो मरोगे नहीं, और मरोगे नहीं तो कुछ करोगे नहीं, और अगर कुछ करोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं, और अगर कुछ पाना है तो कुछ करना होगा, करना होगा, करना होगा, कुछ करना होगा। बहुत बढ़िया गोलू ने, बहुत बढ़िया जवाब दिया। तो इस जोश भरे मोटिवेशनल के बाद अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले परफॉर्मेंस को बुलाना चाहते हैं, श्री कलवा जी। कलवा जी आए और अपना टैलेंट दिखाएं। बहुत कर रहा गाना, ने उल्टा सीधा गाया तो गा दिया जाएगा। ये क्या है रे, हम बारात में आए हैं क्या? चल रहा यहाँ से, और जितना मुझसे बच सकता है बच। तो इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अवेंजर्स टीम को बुलाना चाहेंगे। अवेंजर्स टीम में गोलू हैं, राजू हैं, पप्पू हैं और मोनू हैं, जो कि डांस प्रोग्राम लेकर आएंगे हमारे बीच, और मजे लीजिए। ऐसी होता ना, रफ्ती स्कूल में एक ही करके बुलाया था, पहले कर दो हमारा गाना डांस प्रोग्राम। बहुत ही अच्छा लगा इनका डांस देखकर, तालियां बजाइए आप लोग। अब आपके सामने हम बुलाना चाहेंगे अगली कड़ी को, जिनका नाम है बबली। बबली आ रही हैं जो आपके बीच एक गीत पेश करेंगी, उस गीत के लिए उन्होंने काफी तैयारी किया है। बबली जी आप स्टेज पर आइए। बबली जी, बबली जी लिपस्टिक और वो देखो काजल, कितना भयानक लगाया है उन्होंने। पुराना है उसका पुराना।
गाना गा रही है बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा गाना था दीदी तेरा देवर दीवाना। वाह वाह वाह। अब हमारे बीच आ रही हैं ड्रामा क्वीन, जो इनके पार्टी का नाम है। अपनी टीम के साथ आप यहाँ स्टेज पर आइए और अपना परफॉर्मेंस दिखाइए। बस 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 करो, यही तैयारी करके आई हो? पिछले 15 दिनों से यही तैयारी कर रही थी तुम सब। चलो जाओ जाओ अपनी सीट पर बैठो और जितना मुझसे बच सकती हो बचो। और अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए स्टेज पर बुलाएंगे हमारे उभरते हुए सितारे। क्लास 6 में जो कि पढ़ते हैं, 8 साल के हैं, वो आपके सामने रैप सुनाएंगे। यो हनी सिंह, इनका नाम है चंपू, चंपू दी राव, ये रैप सुनाते हैं। उसे बात करते करते मेरी आंखें में वो हो गई नजराने के ख्याल में, वो इतना रो गई साथ उसकी चलती नहीं, फिर भी वो सितार सो गई, क्योंकि वो इतना रो गई, क्योंकि वो इतना रो गई, यही नवाज में उसे पूछता रहा, और मैं दिल से दूर फिर भी मेरे को अपने दिल के अंदर ढूंढता रहा, सुकून तक कहा, सुकून तक कहा, उसके बिना मुझे सुकून तक कहा। क्या हुआ रे, वो जल्दी जल्दी सुना रहा है, लैटरिन लगाए क्या तेरे को? नहीं सर नहीं, ये रैप है, जल्दी जल्दी ही बोला जाता है ताकि लोग ध्यान से सुने। चल भाग भाग जल्दी से, भाग यहाँ से भाग। हाँ तो अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं पूरे दिल से इनवाइट करना चाहूँगा ज्योति को, जो हमारे क्लास में ही पढ़ती हैं। ज्योति हाजिर हो। गाना गा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा आवाज है, बहुत ही अच्छी गाना गाए हैं, मजा आ गया दोस्तों सुनकर, मतलब भक्ति में मैं डूब चुका हूँ। हाँ तो अब आ रहे हैं हमारे बीच में, जो कि आप लोगों को शायरी सुनाएंगे। उनका नाम है मिक्कू, मिक्कू दी शायर, आ जाइए स्टेज पर आप। मुझे अपना ना लूटा गहरो में कहां दम था, मेरी हड्डी पहन टूटी हॉस्पिटल बंद था, मुझे एम्बुलेंस में बिठाया, एम्बुलेंस का पेट्रोल पंप था, मुझे रिक्शा में बिठाया, रिक्शा का किराया था, मुझे डॉक्टरों ने उठाया, बसों में कहां दम था, मुझे उस बैग पिटाया जिसके नीचे बम था, बम ने उठाया गोली में कहां दम था। बस बस बस, निकल जल्दी से यहाँ से, सम्मुखन अगले को बुलाओ। हाँ तो अब हमारे बीच स्टेज पर आ रहे हैं चंगू और मंगू, जो आपको एक गीत सुनाएंगे। आ जाइए चंगू और मंगू अपने पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ। ज्योति का सुंदर देखना, इनके कायल जाए, इनका भी कायल है, इसकी बात तो बन गया। ये 26 जनवरी हो रही है क्या? बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों का देशभक्ति गीत, मुझे जहाँ तक लगता है ये लोग देशभक्ति में जा रहे थे तब तक इनका गाना खत्म हो गया। तो अब हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे पेंसिल रबर चोर ग्रुप को, जो कि एक हमें डांस दिखाएंगे। और इस ग्रुप में जो पेंसिल रबर चोर ग्रुप के जो हेड हैं, वो अपने मुंह से डीजे बीट निकालते हैं और उनके ग्रुप वाले उसी बीट पर डांस करते हैं, तो देखते हैं ये अद्भुत नजारा। आइए अपने ग्रुप के साथ। जोरदार
तालियां बजाइए क्योंकि ये अपने मुंह से ऐसा बीट निकाले हैं कि मजा आ गया है, बिल्कुल मजा आ गया है। वाह वाह वाह। हाँ तो दोस्तों, अब हमारे बीच शायरियों का पोटला लेकर आ रही हैं लाडो रानी, जो आप लोगों को सुनाएंगी दर्द भरी शायरी और मजे वाली शायरी। तो दोस्तों मजे लीजिए और शायरी सुनिए। आ जाइए लाडो जी। मैं तेरे साथ खुश रहने लगी हूँ, जो किसी से नहीं कहा वो तुझसे कहने लगी हूँ। आँखें बंद करके तेरे साथ चल दो मेरी जान, तुझ पे इतना भरोसा करने लगी। इनकी शायरी के लिए तालियां होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, अब यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, अगर आप लोगों में से रैंडम में से कोई आना चाहे, कलाकारी दिखाना चाहे तो आ सकता है। जो भी आएगा उसको इनाम भी दिया जाएगा। आएंगे तेरी गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए, करेंगे मोहब्बत तुझसे ही चाहे जेल क्यों ना हो जाए। वाओ क्या बात है, पर बहुत थोड़ा था यार, पूरा याद करके आता। कोई और बचा है तो अभी सुना सकता है, वरना प्रोग्राम को हम खत्म करते हैं। बाद में मत बोलना कि मेरी बारी नहीं आई, अगर कोई आना चाहता है तो आ सकता है अभी। कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब अब कोई नहीं आना चाहता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी शिक्षक गण का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी शिक्षकों ने हम बच्चों के लिए इस समारोह का आयोजन किया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी बच्चों का चेहरा देखकर मुझे लग रहा है कि लड्डू की बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय, इस टाइम पर आप लोगों को। और सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि लड्डू मंगवाया जाए। लड्डू नहीं मंगाया जाए, मैं चाहता हूँ कि हमारे टीचर्स भी कुछ कलाकारी दिखाएं। 26 जनवरी है, वो भी कुछ अपना प्रोग्राम पेश करें। यस सर, मोनो सही बोल रहा है। ही इज राइट एंड इज द मेन ऑफ फंक्शन ऑफ द आई बैक टू साइड दैट एंड द ओवरेंटली ऑफ फास्टी करो। मैं भी चाहता हूं सर कि आप लोग कुछ मिलकर कुछ प्रोग्राम दिखाएं। हां जी सर, एक बार आप भी सर, प्लीज सर, प्लीज हमारे दिल से फाइल से सर, प्लीज सर, प्लीज एक बार दिखाइए, दिखाइए सर। हां जी सर, हां जी दिखाइए सर। अच्छा ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। ओ डीजे वाले, चल प्ले कर दे हमारा वाला गाना, प्ले कर। जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों, क्या डांस किए हैं हमारे टीचर्स ने, मजा आ गया। हाँ तो बच्चों, अब प्रोग्राम के समाप्ति का टाइम आ गया है और मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को लड्डू बांट दिया जाए और सभी लोग खुशी खुशी अपने घर जाएं। सम्मोकन और मोनू, स्कूल के गेट पे एक एक डब्बा लेके खड़े हो जाओ। जो जो बच्चे बाहर जाते हैं सभी लोगों को एक एक लड्डू देते रहो। बिल्कुल सर, आप बोलो तो एक भी लड्डू दूं। नहीं नहीं, एक एक लड्डू सभी को देना है। सभी बच्चे लाइन लगाकर गेट पर पहुँचे हैं। आप लोगों की समोकन की बहुत खतरनाक इंग्लिश है, हर कोई नहीं समझ पाता इसकी इंग्लिश। अच्छी इंग्लिश हर कोई नहीं समझ पाता। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक और कमेंट कर लीजिएगा।